बीजेपी की रणनीति क्या होती है। बीजेपी की रणनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है और कैसे भी झूठ बोल के कांग्रेस और बीजेपी दोनों झूठ बोल के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनको पता है 10% आरक्षण से एक मिनट इसमें तो 10% आरक्षण में तो ये तो डिक्लेयर हो गए कि भाई एक अगरबत्ती जलाने से, एक थाली के, एक आरती हिलाने से 8 लाख रुपए की इनकम होता है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। समाज के सारे वर्गों को जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं उनको सबको ये समझना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और जो देना चाहिए, जैसे OBC के बारे में बताया गया कि OBC की जनसंख्या जो है भारत में 52% या उससे ऊपर है, तो पहले उसके लिए काम करना चाहिए। हमारे जितने लीडर हैं, खासकर जिसको हम अपना लीडर बोलते हैं बेन जी ने, सबसे पहले उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि स्वर्ण जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये तो वोट बैंक की राजनीति, जो भी बीजेपी को इस मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं वो प्योर बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसके पीछे समाज का कुछ भी हित नहीं होने वाला है। एक चीज मैं और यहां आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, जो 10% आरक्षण दिया गया है, एक तरीका होता है, मंडल कमीशन में आरक्षण दिया गया ओबीसी को, तो एक डिटेल में रिपोर्ट सर्वे किया गया पूरे देश में, पूरे हर जगह जाके, जिलों में जाके हर जगह सर्वे किया गया, लेकिन इस आरक्षण को देने के लिए कोई सर्वे नहीं है। यहां तक कि जब लोकसभा में बिल पेश हो रहा उससे पहले किसी को पता भी नहीं है, इस तरह से गुप्त रूप से किया गया। तो तुम्हारे पास में क्या डाटा है, क्या ढंग और क्या तरीका है, कौन से आपके पास आंकड़े हैं जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये गरीब समाज के समण के समण समाज में ये 10% गरीबों को जो है हम आरक्षण देते हैं। कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल चुनावी जुमला और शगुफा है। नहीं, और एक एग्जाम्पल और है, एक घर में काम करने वाली, मान लो स्वर्ण महिला किसी स्वर्ण के घर में काम करती है, उसकी जिसके घर में 50,000 रुपये जिसको सैलरी मिलती है वो भी गरीब हो गया, और जो उसके घर में झाड़ू पोछा करती है वो भी गरीब हो गई। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा तरीका रिजर्वेशन बांटने का। अच्छा, दूसरा, ये जितना भी EWS जो कैटेगरी बनाई है उसमें सरकार सर्वे कर ले कि कितने लोग सही मायने में EWS के, जिनको सर्टिफिकेट अलॉट हुए हैं, वो सही मायने में क्या वो इकोनॉमिकली वीक है। वो ये सारे फर्जी सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा वही बनवा सकता है। तो ये सब जो है कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने का तरीका है, और पब्लिक को, इवन हम तो जनरल क्लास को ही बोलते हैं, उनको भी ये समझने का तरीका है। नौकरियां है नहीं, आप आरक्षण बांट रहे हो, आरक्षण का कोई मतलब नहीं है इसमें। चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।